नमस्कार, मैं ग्वालियर से सीमा जैन पत्र लेखन विधा के बारे में आपसे कुछ बात करने वाली हूँ। जन सरोकार मंच टोंक, जिनके तत्वाधान में आज हम पत्र लेखन विधा के बारे में बात कर रहे हैं। पत्र जो जीवन में, अगर साहित्य की विधाओं की बात करें तो पत्र सबसे ज़्यादा असर करते हैं। पत्र एक ऐसी विधा है जिसमें अगर हम अपनी बात कहते हैं तो वो कहे जाने वाले व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा असर करती है। इसी पत्र लेखन विधा से मैं भी जन सरोकार मंच और सूरत सर से जुड़ी, और मेरा पत्रों की इस गंगा में मेरे हिसाब से सिर्फ एक बूंद जितना ही अस्तित्व रखता है, पर हमें उस गंगा की और गंगोत्री और भागीरथी प्रयास की बात ज़रूर करनी चाहिए कि ये मुहिम कैसे चली और पत्र लिखा विधा आज इतनी बड़ा रूप कैसे ले पाई। तो हम शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ पत्र लेखन विधा की इच्छा या उसका स्वरूप सूरज सिंह जी के मन में कैसे आया। साहित्य संस्कार एक दिन की बात नहीं होती है, ये एक लंबी कहानी है। और वैसी ही एक बहुत ही मार्मिक, भावुक, बहुत मजबूत भी कहानी है सूरज सिंह जी के बचपन की। जब वो सिर्फ चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने पहला पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र अपने भाई को लिखा था और उस वक्त तक उनके दादा दादी और उनके पिता नहीं रहे थे, उनका देहांत हो चुका था। माँ के साथ ये बच्चा बड़ा हुआ और इन्होंने अपनी माँ को पूरी पूरी रात पढ़ते हुए देखा है। बड़ी बात है, वो दौर आज के शायद 50 साल करीब, लगभग 40-45 साल पहले, एक बच्चा अफकोर्स समझता है कि घर में पिता दादा दादी नहीं रहे, माँ अकेली है। माँ, देखिए, विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को संभालते हैं और कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, यही पूरे जीवन की गाथा है, जिसमें पैसे और पैसे से जुड़ी बातें बहुत पीछे रह जाती हैं। यहाँ बेटे ने माँ को रात दिन पढ़ते हुए देखा था। अफकोर्स माँ बहुत परेशान थी, मगर वो उनको सहारा किताबों ने दिया, ग्रंथों ने दिया, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा। सूरज सिंह जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कितनी लगन से पढ़ी, ये समझिए कि वो हमेशा फर्स्ट आए स्कूल में। अच्छा, उनका लेखन स्कूल से शुरू हुआ था जहाँ वो नाटक लिखते थे, साथ ही नाटक डायरेक्ट भी करते थे, लघु कथाएं लिखी, आलेख लिखे। उनका ग्रेजुएशन, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में हुआ। उसके बाद उन्होंने कितनी पढ़ाई की और वो एसटीएम तक पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी उनकी जीवन यात्रा की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने एक पत्र लिखा था आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर कि इन 50 वर्षों की आज़ादी में तो एक स्वतंत्रता सेनानी ने उनका वो आलेख अपनी डायरी में कटिंग करके संभाल के रखा था। जो कभी उनके बेटे ने देखा तो उन्होंने फिर सूरज सिंह जी को फ़ोन किया कि मेरे पापा ने आपका लेटर, आपका ये आलेख संभाल के रखा। कितनी बड़ी बात है कि कोई किसी को पत्र लिख कर बताए कि आपका लिखा हमारे घर में कितना कीमती रहा। आज के 2 साल पहले 2018 से सूरज सिंह जी ने पत्र विधा का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। उस अभियान में जीवन साथी की अब हम बात करें तो जीवन साथी जो हमारे घर परिवार रिश्तेदार, बच्चे हर जगह एक दूसरे का प्लस माइनस के साथ साथ देते ही हैं, पर जो आपकी क्रिएटिविटी में आपका साथ दे, आपकी क्रिएटिविटी में आपको सहयोग दे, उससे बड़ा कोई साथ नहीं है। और उसमें मीना जी का सहयोग बेहिसाब, बहुत खूबसूरत रहा है। सूरज जी कहते हैं कि वो उनकी स्क्रिप्ट को फाइनल करने से पहले 15-16 बार पढ़ती है, चेक करती है। वो उनकी सबसे अच्छी आलोचक है, आलोचक होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अच्छा अच्छा कहने से ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती, अपने आप को बेहतर बनाना ही जीवन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीवन साथी से ज़्यादा कोई साथ नहीं देता, और वो सबसे खूबसूरत भी है, रिश्ते की खूबसूरती भी है।
यदि बच्चों की बात करें तो कल बच्चे साहित्य लिखें ये तो ज़रूरी नहीं है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। पर ये बात कितनी अच्छी है कि हम लोग जो पाती प्रतियोगिताओं में अपने पत्र भेजते हैं वो सूरज सिंह जी के बच्चे सहेजते हैं, वो उनको कलेक्ट करते हैं। तो सृजन का कितना सुंदर एक लिंक चल रहा है। जो अब सूरज सिंह जी ने 3 नॉवेल लिखे, कुछ कहानी संग्रह जिसमें से उनका एक नॉवेल उर्दू में भी ट्रांसलेट हुआ है, फरवरी के महीने में, इसी साल की फरवरी में भास्कर का मैनेजमेंट फंडा जिसको रघु रमन लिखते हैं उसमें पाती मुहिम को एक बहुत बड़ी न्यूज़ के रूप में बहुत बड़ा स्थान दिया गया था और प्रोत्साहन मिला, जो बहुत सही और ज़रूरी था क्योंकि अब पाती मुहिम पूरे देश से जुड़ चुकी है। शुरुआत में स्कूलों में, और सबसे अच्छी बात, स्कूल के बच्चे, हम बच्चे से क्या चाहते हैं ये तो हम बहुत कहते हैं, पर हम ये जानते हैं क्या कि हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। समाज को बेहतर आकार देना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सब चाहते हैं, क्योंकि हर जनरेशन के बाद बच्चों की सोच बदलती है, बच्चों की इच्छाएँ मांग बदलती है। आज के 40 साल पहले तो फादर का पैंट छोटा करके बच्चे पहन लेते थे, पर अब चीज़ें बदल गई हैं। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि इस दौर में भी ऐसी बेहिसाब माएँ हैं जिन्होंने पैंट छोटा करके ही बच्चे बड़े किए हैं और उनके बच्चे IAS ऑफिसर भी बने हैं। तो परवरिश का पैमाना ज़िंदगी में कभी भी पैसा नहीं होता है। पैसा, सच कहूँ तो पैसा नहीं हो तब भी बहुत कुछ इंसान बन जाता है। पत्र हमारे जीवन में सबसे बड़ा हिस्सा पत्र का रहा, इसीलिए हमारी फिल्मों में, हमारे गीतों में, कविताओं में बहुत जगह पत्रों का बहुत सुंदर रोल रहा। कितने कितने गीत हैं जो पत्र पर लिखे गए, नीरज ने कितने लोगों ने लिखे। डाकिया जो कभी ये खबर लाता था कि नौकरी लग गई है, या कभी ये खबर छुपा भी देता था कि दूर शहर में बेटा बेटा जिंदा नहीं रहा, और डाकिया ही उस घर के लोगों को पैसा भी देता रहा। पत्र का जीवन से बहुत बड़ा हमारा रिश्ता है। मैं अपना एक बहुत सुंदर पत्र से जुड़ा हुआ सजीव रिश्ता बताऊं। 2019 की ही बात है, मैं किसी साहित्य सम्मेलन में गई थी और वहाँ मैं खाना खा रही थी और मैं अपने पास वाले व्यक्ति से आराम से बातें कर रही थी, पर मेरे लेफ्ट साइड में जो बैठे थे वो अचानक रोटी का कोर उनके हाथ में था और वो कोर लेकर बोले कि ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और आज मेरी बेटी और मेरी बीबी दोनों का श्राद्ध था। उसके बावजूद मैं इस फंक्शन में आया क्योंकि होस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि यहाँ आओ, और उनके हाथ में कोर था और उनके आँखों में आंसू थे। और मैंने ये सुन लिया, मैं पास ही बैठी थी, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, सब कुछ अचानक हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं था। मैंने कहा मैं भी आपकी बेटी ही हूँ, आप प्लीज़ परेशान मत होइए और आप खाना खा लीजिए। उन्होंने वो कोर हाथ में कैसे पकड़ा और अपने आंसुओं को कैसे अंदर रोका वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसके बाद मेरा उनसे ऐसा रिश्ता रहा कि मैं उनको बाऊजी कहती और वो मुझे बिटिया ही कहते थे। और उन्होंने मुझे मेरी किताब की हाथ से लिखकर एक समीक्षा लिखी और पोस्ट भी कर दी। इतने भावुक थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, उन्होंने मुझसे एड्रेस भी कन्फर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो एड्रेस लिखा था तुम्हारी किताब पर मैंने वही डाल दिया और मुझे वो लिफाफा नहीं मिला। मैं कितना तड़फी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बाऊजी से कहा बाऊजी वापस लिख पाएंगे क्या। उन्होंने मुझे दोबारा हाथ से लिख के मेरी किताब की समीक्षा भेजी। उन्होंने मेरा नॉवेल भी पढ़ा, मेरा नॉवेल पढ़ा, उसकी प्रतिक्रिया दी और बोले भी मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कुछ मित्र ये किताब की और कापियाँ मंगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कॉलेज में लड़कों बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं। मगर बहुत दुख की बात है कि उनकी डेथ हो गई। अब जीवन के अनुभव पत्र से जुड़े हुए बहुत सारे होते हैं। इन पाती लेखन की अगर किताबों की बात करें तो बहुत सारे लेख पत्र हैं जो अलग अलग बातें कहते हैं। मैंने बेटी वाले पत्र से ही मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, तो बेटी वाले पत्र की अगर बात कहें तो उसमें माओं ने, हर माँ ने सचमुच, नेगी सर ये बात कहते हैं कि मैं हर पत्र पढ़ के रो पड़ता हूँ और मेरी प्रूफ रीडिंग इसलिए लेट हो जाती है कि मेरे इतने आंसू बहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता। आपकी भावनाओं को सलाम। मगर पत्र वाकई अच्छा, हमें एक चीज़ और है, आज नेगी जी की ये बात सुन के मैं ये बात कहना चाहूँगी, हम कैसे हैं,
कि मेरा पत्र लिखा, किताब आई तो भागे, अपना पत्र देख लें भाई ठीक से छपा है कि नहीं, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा है कि नहीं, मेरा एड्रेस ठीक है कि नहीं, हम अपना देखते हैं। अगर हम नेगी जी की नज़र से देखें, जो वो एक पत्र को चार चार बार पढ़ लेते हैं और पढ़कर रोते हैं, तो हम क्या दूसरों के पत्रों को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कैसा लिखा? साहित्य सम्मेलन, साहित्य गोष्ठियों का सबसे बड़ा, आज चाहे मैं ऑनलाइन बात कर रही हूँ, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम मैं के दायरे से बाहर निकले। मैं तो ठीक है, जितना भी लिखा, बाहर कितना कुछ हो रहा है, कितने व्यूज़ हैं, कितने लोग हैं, कितने तरीके हैं और कितने ढंग से अपनी बात कही जाती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा लेखन, हमारे लिखने के तरीके, हमारे तरीके तो अपने ही होते हैं, पर दूसरों को सुनकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ नया जानते हैं। यदि माँ और बेटी वाले पत्र की बात की जाए तो उसमें पत्र इतने प्यारे प्यारे हैं, इतनी छोटी छोटी बातें कही गई हैं कि बहुत अच्छी लगी। जैसे एक माँ अपनी बेटी को ये कहती है कि तुम्हारी बहू जब आने वाली है तो तुम क्या सोचोगी, ये मैं तुम्हें बताती हूँ क्योंकि मेरी बहू यहाँ आ चुकी है, तो जब तुम्हारी बहू आएगी तो तुम्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। एक माँ कहती है कि मैंने लव मैरिज की, घर से बड़ों की परमिशन के बगैर लव मैरिज कर ली, मगर तुम ये समझो कि परिस्थितियाँ कैसी थी। आज तुम लव मैरिज कर रही हो मगर तुम्हें बैकग्राउंड भी देखना है, लड़का अपने पैरों पे एटलीस्ट स्टैंड तो हो। जिद में लव मैरिज करने की बात नहीं है, बात यह है कि हम अपने जीवन साथी का चुनाव किस ढंग से कर रहे हैं। एक पत्र है जो बच्चे को पीरियड्स की बात भी समझाता है, जो बिल्कुल सही है। एक पत्र है जो बच्चों को कहता है कि यदि तुम IIT में सेलेक्ट नहीं हुए, मुझे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। IIT में सेलेक्ट होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि तुम अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन से पढ़ाई कर लो और जो भी रिजल्ट आए उसके लिए तैयार रहो। ये मेरा भी सोचना है, हमको बच्चों के को जीत के लिए नहीं, हार के लिए तैयार करना चाहिए। तुम्हें आगे आना ही है। मैं सच कहूँ, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, नेगी सर की मम्मी ने जो उनको उनकी परवरिश की, वो दैट इज़ मोर देन परफेक्ट। तुमको ऐसा बनना है, तुमको वैसा बनना है, तुमको ये करना है, तुमको ये वो करना है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात पता है, बच्चे कहकर नहीं सीखते हैं। हम बच्चों को ये कहें कि तुमको बड़ों की सेवा करनी है और आप तो दादी को खाना नहीं दे रहे हो टाइम से, तो आप किसी कीमत पर उम्मीद मत करिए कि आपके बच्चे आपको चाय देंगे। आप जैसा कर रहे हो आपके बच्चे वैसा देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, एक्चुअली कहने की ज़रूरत नहीं है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने देखा था कि माँ कितनी तकलीफ में है, उसके बाद अपनी तकलीफ का रोना नहीं रोती है, किताबों से अपने आप को संभाले हुए है। ज़िंदगी के दर्द बहुत सारे हैं, रोने को ज़िंदगी पड़ी है ये कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छा बहाना भी होता है, मैं इसलिए असफल हुई क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ ही बुरी थी, किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया, मैं क्या करती, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। सिर्फ एक बात है कि मेरे साथ मेरा हौसला था और मैं आगे बढ़ गई या बढ़ गया। या बच्चों को हम एक मजबूत माँ बनकर दिखाएं, और बच्चे यदि एक मजबूत माँ को देखते हैं जो साहित्य से जुड़ी है, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आसपास के घर में जाना, वक्त बर्बाद करना, बच्चे सब देख रहे हैं, बच्चे सब सीख रहे हैं, या माँ फ्री टाइम में पढ़ती है, यदि माँ फ्री टाइम में पढ़ती है, पेंटिंग करती है, सिलाई करती है, तो बच्चे अपने आप क्रिएटिव होंगे, जैसे सूरज सर के हुए जो आज हमारे लेटर संभालते हैं। 25 साल के होते होते यदि आपका बच्चा, धर्मेंद्र ने कहा था, बहुत सही बात कही थी, 25 साल के होते होते यदि आपका बच्चा आपको पेरेंट्स की तरह डांटने लगे केयर के लिए, प्यार के लिए, तो आप समझ लिए आपकी परवरिश सही हो गई। और 25 साल की उम्र में यदि आपका बच्चा आपको ये डांटे कि पापा आप में ये नहीं, आप में वो नहीं, आप मॉडर्न नहीं, स्टाइलिश नहीं, तो आप समझिए कि आपने बहुत गड़बड़ कर दी है। बच्चा पैसे से नहीं, संस्कार से ही बड़ा होता है, और संस्कार का सबसे सुंदर काम पत्र करते हैं। देखिए सर, अफकोर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उन्होंने चीज़ें भी बहुत अच्छे से प्लान की है,
जैसे कि उन्होंने स्कूलों में बहुत गए, बच्चों से पत्र लिखवाए और उन्होंने ये कहा, ये नेगी सर ने ही कहा कि बच्चे इस वक्त क्या चाह रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चे वो नहीं हैं जो पहले के थे। ये बात बिल्कुल अच्छी है। हम अपना समाज तभी संभाल पाएंगे जब हम अपने बच्चों को संभालेंगे या हम खुद डिसिप्लिन्ड होंगे। अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो फिर मेरे बच्चे को दिख रहा है कि ये बिल्कुल टाइम से खाती है, वॉक करती है, सारा काम कर रही है। बच्चे अपने आप रेगुलर होंगे, और नहीं होंगे तो मैं चिल्ला भी सकती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर हूँ, आपको भी रेगुलर होना है। मगर ये तभी होगा। पिता का माता पिता के लिए बच्चों ने पत्र लिखा, वो भी बहुत अच्छा था। आज के ज़माने में हम देखें तो बहुत ज़्यादा, मैं दोनों तरह की बात करूँगी, मैं बहुत घरों, महावीर स्वामी ने एक बात कही थी कि अनुभवी बुज़ुर्गों से रिश्ता ज़रूर बना के रखें, और ये बहुत सही है। और मैं जब से लेखन के क्षेत्र में आई हूँ, मैं बहुत लोगों से जुड़ी हूँ, उनमें से कई लोगों के घर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कहीं बहुत एक्सीलेंट है बच्चों का और फादर का ट्यूनिंग, और कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों को आज हम कैसा, बुज़ुर्गों के साथ बच्चों का कैसा व्यवहार होना चाहिए या बच्चे उनके साथ, दोनों तरफ से, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो पत्र नेगी सर ने लिखवाए हैं, सच में बहुत अच्छा लिखवाया नेगी सर ने, बुज़ुर्गों के ऊपर लिखवाई, क्योंकि हमारे समाज की हालत आज उतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ, जिन बुज़ुर्गों के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका ये कहना था कि मेरी फैमिली परफेक्ट है, मेरी वाइफ और बेटी की डेथ के बाद भी मेरे बेटा बहू मुझे बहुत केयर देते हैं। और जब उनकी डेथ के बाद उनके बेटे से मैंने बात की तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा बाबूजी आपके लिए ये कहते थे कि बाबूजी आपसे बहुत खुश थे, मुझे बहुत दुख हुआ कि बाबूजी नहीं रहे, मगर आप इस बात से खुश होइए कि बाबूजी आपके लिए बहुत दुआएं देते थे और आपको बहुत प्यार करते थे। नेगी सर के पत्र, जिसमें माँ और बेटी का पत्र है, जिसमें मैंने भी एक पत्र लिखा है, मैं वो पत्र पढ़कर, मेरा पत्र थोड़ा लंबा है तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक दूसरा छोटा पत्र पढ़ती हूँ, बाकी फिर मैं अपना पत्र थोड़ा सा वो भी पढ़ दूँगी। मैंने एक पत्र लिखा था बुज़ुर्गों के लिए, यहाँ मैंने लाइफ के दोनों शेड्स दिखाए हैं। एक वो घर जहाँ पेरेंट्स को बहुत इज्जत मिलती है, और एक वो घर जहाँ पेरेंट्स के मुंह से रोटी का कौर भी छीन लिया जाता है। पेंशन की बात तो दूर है, रोटी का कौर भी छीन लिया जाता है, उन्हें धक्का दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ये सारे किस्से मैंने भी अपने आसपास सुने और देखे हैं। मेरा पत्र, बाबूजी आपको सादर प्रणाम, ये मेरी तीसरी चिट्ठी है, फ़ोन पर आप बात करते नहीं, मेरी चिट्ठी का अब तो जवाब दीजिए ना, मामा जी ने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी है। बाबूजी, पुणे में मामा की 50वीं शादी की सालगिरह पर जब आप अटैची हाथ में लेकर उतरे और मामा जी के बेटे मोनू ने आपके हाथ से बैग लिया था, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं आपके साथ कितना अमानवीय हो चुका हूँ। मामा ने आपको गले लगाते हुए कहा, ये क्या हाल कर लिया आपने अपना कंवर साहब। आप उनसे गले लगकर जो रोए तो मुझे लगा कि माँ के जाने के बाद पहली बार आप अपना दुख किसी को बता रहे हैं। आपके ढीले पुराने कुर्ते में से आपका कांपता बदन मैंने पहली बार देखा था। मामा ने बस एक गहरी आंख से मुझे देखा और वो सब समझ गया और वो वह सब समझ गए जो मैंने आपके साथ किया। माँ की बीमारी से जुड़ी लापरवाही और उनकी मृत्यु का दर्द मैं उस वक्त महसूस कर सका था। मामा के घर में आपको जो प्रेम और सम्मान मिला वो मुझे यह एहसास दिलाने के लिए काफी था कि मैंने क्या किया। मामी को आपकी पसंद की खाने की हर चीज याद थी और हमने आपके पसंद का खाना बनाना ही बंद कर दिया था। हमने पैसा होकर भी महंगाई का रोना रोया, बच्चों का आपके पास बैठना बंद करवाया। मेरी मॉडर्न बीबी के कहे अनुसार उन्हें गंवार नहीं बनना था। जब तक वह आपसे और माँ से जुड़े थे तो उनके व्यवहार में नम्रता और प्रेम दोनों था, जो बाद में उद्दंडता का रूप लेती गई, जिसे आज हम बुरी तरह भुगत रहे हैं। पार्टी के बाद जब रात को मोनू ने आपके पैर दबाए और उसकी पत्नी आपके लिए दूध लेकर आई तो आपने दूध पीने से मना कर दिया था। मैं इनको कैसे बताता कि आपकी बहू ने एक बार माँ के हाथ से कप छीनते हुए कहा था कि अब इतना खर्चा उठाना आसान नहीं है, वो भी तब जबकि घर आपका और पेंशन भी आपकी।
मामा के घर में आपका सम्मान और मामा की धाक को देखा तो लगा कैसे आपके अपनत्व का हमने गला घोंटा है। माँ को गए तब सिर्फ 3 महीने हुए थे। इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कितना गिरा ये दूध का कप पकड़ते हुए आपके कांपते हाथ को देखकर मैंने समझा था। मामा मामी के मंदिर जाने से पहले उनकी बहू दवाई और नाश्ता किए बगैर उनको जाने नहीं देती है। आपको हमने कभी चाय भी समय पर नहीं दी। पहले बच्चों के स्कूल का नाश्ता, हमारा टिफिन, उसके बाद माँ को चाय बनाने की अनुमति देने वाली आपकी संतान अपने किए पर माफ़ी मांगती है। बाबूजी, आज मैं माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ। सच कहूँ तो यह मैं आपके लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मेरे उद्दंड होते बच्चों को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। बाबूजी, जल्दी घर आ जाओ। आपसे दूर रहकर ही मैं आपकी कमी को समझ पाया हूँ। ये मैंने पत्र लिखा था बच्चे जो पेरेंट्स को लिखे थे उस वाली कॉम्पिटिशन में। बहुत पत्र लिखे गए, बहुत लोगों ने बहुत का बात कही। सूर्य सर का ये प्रयास और ये इच्छा, मैं सच कहूँ यहाँ एक बात बहुत बड़ी है कि पत्र लिखकर हम प्रतियोगिता जीत रहे हैं, किताबें भर रहे हैं, या पत्र पढ़कर हम अपना घर बदल रहे हैं। बदलना हमको घरों को है, हमको अपने घरों के माहौल को बदलना है जिसमें हमें फिर से वहीं जाना है जहां दादी बच्चों को कहानी सुनाती थी। दादी को डांट के घर में बंद नहीं करना है, दादी को पूरा का पूरा सम्मान देना है। ये पत्र, ये साहित्य गोष्ठियाँ ये इसीलिए होती हैं कि हम अपने मैं से बाहर आए। समाज को आकार देने का कार्य साहित्य ने किया है, राजा राम मोहन राय ने, प्रेमचंद ने, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या मैं कहूँ विश्व के हर लेखक ने जो देखा जो भोगा वो लिखा। और एक इच्छा रही कि समाज बदले सॉरी बच्चों को, बड़ों का सम्मान करना, साथ ही बच्चों को, बड़ों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। हम किसी एक तरफ से ये ज़िंदगी नहीं चला सकते, ये दोनों तरफ का मामला है। दोनों तरफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बेटी को जो पत्र लिखा था, उस बेटी वाले पत्र में मैंने, मेरी बेटी तब, मैं आपको वैसे ही बोल दूँ क्योंकि मैंने पत्र बहुत लंबा लिख दिया था, हालांकि वो पुरस्कृत हुआ था, पर मैं उससे जुड़ी कुछ जीवंत बातें आपको बताना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं गांधी जी के बारे में बोलना चाहूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पत्र को छोटा करके आपको वैसे ही बता दूँ। मेरी बेटी एक्चुअल में सच में ही बोर्डिंग में रहती थी तब, और वो 3 साल बोर्डिंग में रही, 7th, 8th, 9th, 10th में उसको मैंने बाहर लिया। तो 3 साल जब वो बोर्डिंग में रहे, वो पहली बात मैंने पैसे के दिखावे या दुनिया के दिखावे के चक्कर में बेटी को बोर्डिंग में नहीं भेजा था। मेरी बेटी की इच्छा थी उसको बोर्डिंग जाना, इसलिए हमने उसको बोर्डिंग भेजा था, पहली बात। दूसरी बात, जब वो वहाँ गई तो बच्चे बहुत तरह के होते हैं, तो मेरी बेटी का कहना था कि उद्दंडता, बदमाशी सब, और सबसे बड़ी और सबसे गलत बात कि वार्डन को परेशान करना। मैंने अपनी बेटी को उस दिन घर में डांटा, मैंने कहा 2 बच्चे हम माएँ संभालते हैं जबकि हमारे पास नौकर और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। हम कितनी बार कहते थे कि यार मैं थक गई तुम लोगों से, छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है। मगर अगर एक औरत 200 बच्चों को संभालेगी तो तुम्हें तो डिसिप्लिन से रहना चाहिए, तुम तो डिसिप्लिन तोड़ के बड़े खुश हो रहे हो, ये तो तुम गलत कर रहे हो। मेरी बेटी ने मेरी बात समझी। उस दिन मैंने बेटी को डांटा था जबकि मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते ऐसे ही कि आज माय डॉटर इज़ माय मदर, ऐसा रिश्ता है। मगर उस वक्त मैंने उसको डांटा था, मैंने कहा ये तुम गलत कर रही हो, तुम सुधरो और तुम्हारी फ्रेंड्स चेंज हो या ना हो मगर तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। उसके बाद मैं मेरी बेटी की प्रिंसिपल के पास गई, स्कूल में गई, क्योंकि फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि हम लोग कितना कुछ डिसिप्लिन तोड़ते हैं, टाइम से योगा नहीं करना, पढ़ाई के समय सो जाना, टेबल पर नींद लेना, बहुत सारी चीज़ें। मैं प्रिंसिपल के पास गई, मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैडम, अच्छा बेटी ने मुझे ये भी बताया कि डिसिप्लिन तोड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो सिखाती है ऐसा करो वैसा करो। मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम आप एक मीटिंग रखिए जिसमें ये बोलना चाहिए कि बच्चों को डिसिप्लिन घर से सिखा कर भेजा जाए, हम यहाँ बच्चों को पढ़ाएँ, उनकी एक्टिविटीज़ देखें या बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाएँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल मैडम मेरी बात से इतनी खुश हुई कि वो बोली प्लीज़ आप आइए और आप ये मीटिंग हैंडल करिए। पर तब मुझे ना बोलने से डर लगता था, हालांकि मैं बोलने की बहुत शौकीन थी। मैंने कहा मैडम मैं तो नहीं बोल पाऊँगी पर मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप बोलो।
खैर जो भी हुआ उसी हॉस्टल के दिनों का ये किस्सा मैंने इसमें भी लिखा है, बुक में भी लिखा, वही मैं आपको बता रही हूँ। उन्हीं हॉस्टल के दिनों में जब आउटिंग होती है तो सारे बच्चे संडे को बाहर निकलते हैं। मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी जिसके पापा, जिसके दादाजी नैनीताल से मिलने आते थे, वो बाहर का खाते नहीं, घर से पूड़ी कचौरी लाते। उनके बेटे की, उस लड़की के फादर की कैंसर में डेथ हो चुकी थी। वो आते हैं एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वो मिलिट्री में थे। तो वो मेरी बेटी बोलती है कि ये बात बहुत अच्छी करते हैं मम्मी, ये कितनी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, इनके साथ बहुत मज़ा आता। और वो आयशा और सारे 7-8 बच्चों को लेके पिक्चर और दादाजी सब जगह जाते। मैंने उस दिन मेरी बेटी से कहा, मैंने कहा तुम लोग पिक्चर जाओगे और तुम खाना भी खाओगे, तुम ध्यान रखना कि दादाजी के पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, और सबसे बड़ी बात कि जब दादाजी थिएटर में जाएंगे तो तुम दादाजी का हाथ पकड़ना, भागते भागते आगे नहीं जाना, दादाजी को अंधेरे में चलने में दिक्कत होगी, तो तुम उनको कुर्सी पर बिठाओगी और जब तुम निकल के आओगे तब भी तुम ये काम करोगे। मेरी बेटी ने दोनों काम किए। एक बहुत चैन की सांस आती है जब मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेने गए रात को। दादाजी मेरे हस्बैंड से कहते हैं, योर डॉटर इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल, इससे बड़ा शायद कोई पुरस्कार नहीं, और ये जीवन की ज़रूरत है बच्चों को उनके दादा। ऐसे ही मेरी बेटी ने शिखर जी में अपनी नानी का हाथ पकड़ के भूखी ऊपर चढ़ी थी, रात को 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। उसने मम्मी को छोड़ा नहीं, क्योंकि हम सब तो इतने तेज नहीं भाग चल सकते थे, मेरी मदर थोड़ा फास्ट चल लेती हैं। तो मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के मेरी बेटी गई थी। मम्मी पूरे वक्त ये कहती रही कि ये लड़की ने मेरे लिए कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, बोली नानी चलती रहो नहीं तो आपका पैर दुखेगा। संस्कार पत्र, नेगी सर का प्रयास, जन सरोकार मंच, हमारा समाज, हम कैसे बच्चे चाहते हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, ये सब हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और हमें सीखना भी चाहिए। अब यदि मैं चलते चलते गांधी जी की बात कहूँ, गांधी जी विश्व में वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पत्र लिखे परिवार को, समाज को और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के लोगों को। हम सभी शायद जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके लिए क्या कहा था, उनका उनसे भी पत्र व्यवहार था, उनका टॉलस्टॉय से भी था, टॉलस्टॉय से तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कई चीज़ों की। उनका विश्व के बहुत लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता बना था पत्रों के माध्यम से। कुछ दिनों पहले मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रही थी गांधी जी के बारे में, तो 2-4 किताबें लेकर बैठी और सोचा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाती हूँ, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा मैं 20 किताबें पढ़कर ही एक स्क्रिप्ट लिख पाऊँगी, 4 किताबों से तो मैं 30 पन्ने ही लिख पाई थी, और मैं वहाँ रुक भी गई क्योंकि मुझे लगा ऐसा इतना फास्ट नहीं होता है काम, बहुत टाइम चाहिए, मेरे पास 20 किताबें पढ़ने की इच्छा नहीं थी। मैंने जो 4-5 किताबें पढ़ी जिसमें गांधी जी के पत्र, मेरी आत्मा हिल गई। एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को लेके चल रहा है, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे या भारत में थे, जो विश्व में कहाँ कहाँ, मतलब एक आदमी आके कहे कि नील की खेती से जुड़ा हम पे अन्याय हो रहा है और वो वहाँ चले जाते हैं। आज के ज़माने में ऐसा नेता मिलना असंभव है जिसने घर परिवार बच्चे कुछ भी नहीं देखा। उनके पत्र वो जो उन्होंने बड़े लोगों को लिखे वो तो ठीक है, उनके वो पत्र जो उन्होंने अपने परिवार को लिखे, मुझे तो रोना आ गया पढ़कर कि वो ये भी लिखते हैं कि बच्चों को, आश्चर्य की बात है कि वो बच्चों को रात को कौन सी किताब में से पढ़ के कहानियाँ सुनानी हैं। अभी हरिश्चंद्र की कहानी सुनानी है तो 2 साल बाद किड्स की कविताएं, ये बात अच्छी है, भाषा का बंधन नहीं, मैं भी इसको पसंद नहीं करती। कल 2 साल बाद कौन सी कविता पढ़ के सुनानी है, कौन सी कहानियाँ बच्चों को सुनानी है, ये भी वो बताते थे। साथ ही वो ये भी कहते थे कि बच्चों के नाखून काट देना, बच्चों की बीमारी नहीं हो ध्यान रखना, उनका पढ़ाई का ध्यान रखना, और साथ में वो लिखते थे कि खर्चा संभल के करना, हम गरीब हैं, कितनी बड़ी बात है। ऐसे पत्र मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रेरणा है। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे जिसमें उन्होंने जीवन सभ्यता से जुड़ी बातें कहीं, मगर गांधी जी के पत्र मुझे लगता है व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ज़रूरी है। ये जीवन की वो, हम उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें ना कहें क्योंकि वहाँ बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं, पर मैं एक व्यक्ति की बात करूँ तो किसी व्यक्ति ने अपने खर्चे कैसे कम किए, अपने आप को कैसे संभाला, जो आदमी हिंदी में बात नहीं कर सकता था, जो बोलने में बहुत घबराता था, उसका हिंदी तो दूर, इंग्लिश में बोलना लिखना पूरे विश्व में सुना गया। पत्रकारिता के पाठ उन्हीं से पढ़े गए हैं, कैसे, कोई कॉलेज नहीं, सिर्फ एक लगन, मगर उससे भी ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ी,
बेहिसाब किताबें पढ़ने पर ही हम कुछ लिख पाते हैं, ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। गांधी जी के पत्र एक बहुत बड़ी शिक्षा, एक बहुत बड़ा संदेश, बस बात यह है कि हम उसको कितना अपने जीवन में उतारते हैं। नेचुरोथेरेपी के उन्होंने के ऊपर उन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत प्रयोग किए, यहाँ तक कि कई बार वो रिस्क में चले गए मगर वो सफल भी बहुत हुए। उन्होंने नेचुरोथेरेपी के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, पत्रों में भी वो समझाते थे और वो उन्होंने अपने जीवन में पूरा का पूरा उतारा था। पैदल चलना, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना, बहुत सारी बातें। मैं सोचती हूँ समय हो गया, आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नेगी सर और मीना जी को बहुत सारी बधाई देती हूँ और हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।